असलम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग सो टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सम मोर कंफ्यूजिंग वर्ड्स पहले मैंने आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताए थे आज हमारी ये सीरीज जो है हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं ओके वी हैव थ्री वर्ड्स एक पेन एंड हर्ट आप मोस्टली कहते हैं मुझे हेड है मुझे टूथ है सो so, वो होता क्या है ठीक है डिफरेंस क्या होता है इन वर्ड्स में ओके okay, एक क्या होता है इज डिसकम्फर्ट दैट कंटिन्यूज फॉर समाइम एक एक डिसकम्फर्ट या आप कहते हैं बेस्कूनी जो कुछ टाइम के लिए जैसे हम कहते हैं ना हेड है अब हेड क्या है सर में दर्द होता है अब उस तरह का दर्द जैसे आप सपोज कि आपका हाथ कट जाता है, वैसा दर्द तो नहीं होता ना उसको कहते हैं एक डिसकम्फर्ट फीलिंग यू कैन से सो दैट इज़ कॉल ये कुछ टाइम के लिए होता है लाइक या फॉर एग्जाम्पल यू हैव टूथ एक एंड एंड एयर एक ये जो भी चीज़ आपके लाइक टूथ एक है प्लस uh, हमारे पास एयर एक है वी हैव हैड एक दैट इज़ कॉल डिस्कम्फर्ट वो कुछ टाइम के लिए होता है बाद में ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली तो यहाँ पे लोग uh, सर में दर्द हो हम पेनाडोल खा लेते हैं पेनाडोल और खत्म हो जाते हैं ठीक है आफ्टर योर एक्सरसाइज था नेक्स्ट डे विल मसलबली एक दर्द करते हैं. किसी जहम की वजह से दर्द नहीं करते हैं. क्यों दर्द करते बिकॉज ऑफ लाइक स्ट्रेन यू कैन से उसके बाद हमारे पास है वी हैव पेन अब पेन क्या होता है फर्स्ट थिंग इज पेन इज यूली स्ट्रोंगर ठीक है स्ट्रोंगर हो सकता है या अचानक भी हो सकता है आप जैसे अगर हम हेडेक की बात करें ना वो तो या तो स्ट्रेस की वजह से होता है या मतलब और सिचुएशंस हो सकती हैं आप अगर सपोज एक रूम में हैं जहाँ पे टम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है एयर कंडीशनर के नीचे धूप में जाते हैं हो सकता है वापस आपके आके आपको हेड हो जाए बट पेन इज स्ट्रॉगर एंड सडन एंड मोर डिफिकल्ट टू इग्नोर इसको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है लेकिन जो एक हैदेख है उसको आप इग्नोर कर सकते है। ठीक है यू वुड फील पेन वेन यू कट योर सर जब स्पोज कोई कट लग जाता है कोई इंजुरी हो जाती है तो तब हमें क्या होता है पेन एक नहीं होता उसको एक नहीं बोलना येस oh, yes. We also have the expressions aches and pains, which describe general and various physical discomforts. Your 90 years old grandfather might complain about all the aches and pains he has at his age. अब जो hurt word है वो क्या है? वो adjective के तौर पे भी use होता है. Pain और ache का मैंने आपको difference बताया. Hurt ये adjective और verb के तौर तौर पे use होता है. जैसे हम कहते हैं Yes, my ankle hurts. अब यहाँ पे माई क्या है माई इज हर सब्जेक्ट ठीक है माई सब्जेक्ट है एंकल क्या होगा uh, ये भी हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है हर्ट्स मी वर्क ये एज अ वर्क बैक्ट कर रहा है माई एंकल हर्ट्स दर्थ कर रहा है लेकिन अगर इसका सेंस लेंगे ना यू कैन से आई हैव अ पेन और आई हैव एक इन माई एंकल माई नेक माई नेक हर्ट मीन आई हैव पेन इन माई नैक और आई हैव एक इन माई नेक लास्ट वर्ड इज माई शोल्डर्स हर्ट आई हैव पेन इन माई शोल्डर्स और आई हैव एक इन माई शोल्डर अच्छा हर्ट का जो वर्ड है इंजर के लिए भी यूज होता है जिसपोज आपके हाथ में नाइफ है सो आई कैन से फुट इट ऑन द टेबल यू कैन हर्ट योर सेल्फ यू कैन हर्ट योर सेल्फ मीन आप खुद को जहमी कर सकते हो अच्छा ये हमारे पास हो गया एक उसके बाद है वी हैव थ्री वर्ड्स दैट इज एक्चुअल करंट एंड प्रेजेंट अब जैसे मैं कहती हूं कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज दिस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है लेकिन प्रेजेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट अभी इसी टाइम के लिए यूज होता है करंट भी मौजूदा सूरत हाल को कहते हैं प्रेजेंट भी लेकिन करंट और प्रेजेंट में मेन डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट आई एम हेयर इन द क्लासरूम मैं अभी क्लासरूम में हूँ लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज कल या यू कैन से करंट मैं क्या कर रही हूँ करंटली आई एम टीचिंग आज कल मैं पढ़ा रही हूँ बट प्रेजेंट अभी मैं क्या कर रही हूँ आई एम हिंदी क्लास रूम जैसे मैं आपको अच्छा एक्चुअल का मतलब क्या है यस एक्चुअल रेफर्स टू थिंग्स दैट आर ट्रू नॉट थिंग्स दैट आर फॉल्स उन चीजों को जो सही होती हैं गलत नहीं होती हम कहते हैं ना एक्चुअली ये हुआ असल में ये हुआ दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फॉर एग्जाम्पल द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट परसेंट करंट मीन अभी का अभी इस वक्त का रेट नाउ ओके करंट मीन के अभी का जो रेट है वो इतना है बट दर्टिकल क्लेम्स दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट फाइव परसेंट बट दी एक्चुअल रेट इज अराउंड एट परसेंट आर्टिकल क्या कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइव परसेंट है अब एक्चुअल क्या है कि असली रेट क्या है एट परसेंट रियल रेट एक्चुअल मीन रियल असली बराक ओबामा इज करंटली द्रेजिडेंट ऑफ कहाँ का प्रेसिडेंट है का बराक ओबामा काशॉन बराक ओबामा कहाँ का प्रेसिडेंट है अमेरिका का था।, था या है आजकल कौन है जॉन जो बाइडन अच्छा आ, बराक ओबामा इस सपोज हम अभी उसी को लेते हैं बराक ओबामा इज करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही इज द प्रेजिडेंट नाउ इसका मतलब ये है कि वह अभी उस जगह का प्रेजिडेंट है द लैंग्वेज स्पोकन इज ब्राज़ील द लैंग्वेज स्पोकन इन ब्राज़ील इज एक्चुअली पोर्चुज नॉट स्पेनिश अब वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज बोली जाती है ना ब्राज़ील में वो कौन सी है वो ये है ना कि ये जैसे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज एक्चुअली उर्दू नॉट इंग्लिश वो असल में उर्दू है ना कि इंग्लिश है और सेम इज़ द केस विद यू कैन से अगर हम कहें द लैंग्वेज स्पोकन इज इन के पी के इज पशतू एक्चुअली पश्तू नॉट उर्दू रियलिटी है कि असल में लैंग्वेज पश्तू बोली जाती है ना कि उर्दू उर्दू तो बहुत रेयर चांसेस में तो बोली जाती है ना ओके uh, okay. करंट और प्रेजेंट का मैंने आपको डिफरेंस बताया है दैट समटाइम्स करंट इज यूज इन द सेंस ऑफ जनरली नाउ के करंट मीन के अभी मौजूदा सूरत हाल लेकिन इस वक्त की नहीं जनरली उस टाइम पीरियड में एंड प्रेजेंट इज ऑफन यूज मोर इन देंस ऑफ इमीडिएटली नाउ इमीडिएटली नाउ का मतलब होता है अभी इसी टाइम इन दिस प्लेस मोमेंट Uh, जैसे है कि माई फ्रेंड करंटली लिव इन द न्यूयॉर्क मेरी दोस्त जो है अभी न्यूयॉर्क में रहती है बट शी इज इन लॉस एंजलीस एट प्रेजेंट लेकिन वो अच्छा वो मै, मैं मैं अब अगर ये कहती हूँ कि सपोज आर फ्राम कहीं से भी आप हैं सिंध से हैं आर फ्राम कराची ठीक है सो आई कैन से दैट यू लिव इन कराची बट यू करंटली लिव इन कराची बट प्रजेंटली यूर एट कहाँ पर एट यश इंग्लिश आर इन इस्लामाबाद अभी आप इस्लामाबाद में हैं लेकिन रहते आप कहाँ पे आज के लिए आज दिन आज सिर्फ ये एक दिन आप यहाँ पे लेकिन बेसिकली आप ओवरऑल रहते कहाँ पर किस जगह पे हैं कराची में ये डिफ्रेंस है बेसिक इन दोनों सेंट अच्छा एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी इसी वक्त एट प्रेजेंट ऑलवेज मीन्स नाउ बट देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन विद द वर्ड प्रेजेंटली विच मीन नाउ और वेरी सून अब जो वर्ड एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटली हमने पढ़ा प्रेजेंट प्रेजेंटली बहुत जल्दी अभी अगर मैं कहती हूँ मैं अभी आई आई विल ही विल बी हेयर प्रेजेंटली वो यहाँ होगा अभी जल्दी यानी ही विल बी हेयर वेरी सुन बहुत जल्द ही विल बी हेयर वेरी सुन ही विल बी प्रेजेंटली सेम मीनिंग है वेरी प्रेजेंटली में कोई डिफरेंस नहीं है अच्छा ये हमारे सारे हो गए उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर एंड बोस आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा बोस क्या होता है ठीक है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है एच आर क्या होता है डिपार्टमेंट मैनेजर्स क्या होते हैं मैनेजर का, का काम क्या होता है इसका मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी मैनेजर का, का काम ये होता है चीजों को वो मैनेज करता है पहली चीज मैनेज से आप ले सकते हैं इसको जैसे आप अगर एक जगह पे हैं इन अ स्मॉल क्लोथिंग स्टोर एक स्टोर में काम करते हैं द सेल्स पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग क्लॉथ एंड हेल्पिंग कस्टमर्स एंड आप वहां पे सेल्स मैन हैं एक ब्रांड पे हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग एट गुनजा सतरंगी या किसी भी गुले मत पे काम कर रहे हैं आप सेल्स मैन हैं आपका काम है चीजें सेल करना ठीक है आप खुद एक एम्प्लॉय है सेल्स पर्सन जो आपका मैनेजर होगा वो क्या करेगा एंड द मैनेजर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेल्स पर्सन स्केज आपका स्केजल आपका मैनेजर बनाएगा बॉस नहीं बनाएगा टाइम आपका मैनेजर आपका बॉस भी होता है ऑर्गेनाइजिंग द स्टोर फाइनेंसिस वो बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है फाइनेंसिस को न्यू सेल जो आ रही हैं पुरानी कितनी हुई हैं हर एक चीज को वो देखता है काम आपसे करवाता है वो मैनेज करता है चीजों को ठीक है उसके बाद क्या है ये जैसे वर्ड है प्रेसिडेंट ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर बता रही हूं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर मैनेजर एम्प्लॉयज अब देखें कहाँ से स्टार्ट होता है अगर हम एम्प्लॉय एम्प्लॉयज तो जो वर्कर्स होते हैं उनको कहते हैं ना काम करने वाले उससे ऊपर मैनेजर है डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अब आप अगर एक एम्प्लॉय हैं आप जिस बंदे के अंडर काम करेंगे वो आपका बोस होगा ठीक है डायरेक्टर का काम ये है कि वो सारी चीजों को हैंडल करेगा वहां पे जरूरी नहीं है कि आपके इमीडिएट आपका जो सुपरवाइजर है अगर आप इम्प्लॉय हैं तो आपका बोस मैनेजर होगा आप मैनेजर हैंगे तो आपका बॉस डायरेक्टर होगा डायरेक्टर हैं तो आपका बॉस वाइस प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट है तो आपका बॉस प्रेजिडेंट होगा एडमिनिस्ट्रेटर की क्या जॉब होती है कि वो चीज़ों को मैनेज करते हैं जैसे सपोज के आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आप कहीं पे जॉब करते हैं आपने पढ़ा होगा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एच आर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं लोगों को हायर करता है इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता है सैलरी बहुत सारी फाइनेंस भी हम टाइम उसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है ओके okay, ये हमारा सेशन एंड हो गया इसमें क्या था देर सम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जिसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसको कैसे यूज़ करना है इसको कैसे यूज़ करना है ठीक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर हमारा सेशन है उसको डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच